तो कल जब मैंने वीडियो पोस्ट किया तो यहाँ पे एक नेबू कॉइन है जिसके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसको मैं अभी अर्जेंटली इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले जो नेबू कॉइन की जो वेबसाइट है ये देखे तो यहाँ पे कोई खास चीज नहीं है। अगर आप जो भी डिटेल वगैरह देखोगे यहाँ पे ज्यादा डिटेल में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे 0.069 दिखा रहा है, जो कि बहुत कम है देखा जाए तो। बाकी यहाँ पे जो डाटा दिखा रहा है ये कहाँ से दिखा रहा है इसका कोई अता पता नहीं है। और वैसे भी ये जो वेबसाइट एक तरीके का टेम्पलेट है इसी वेबसाइट के जैसा एक, और यहाँ पे मुझे जो वेबसाइट है वो मिली जो है EXG कॉइन की। और बेसिकली क्या है, एक सिंपल टेम्पलेट है, इसी को यूज करके हर कोई अपनी अपनी वेबसाइट बना रहा है अभी के टाइम में, और अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना बना के बेच रहा है। जैसे ये लोग यहाँ पे ये वाला बेच रहे हैं जो नेवो कॉइन है, ये चल रहा है 2021 में से चल रहा है और अभी 2023 चल रहा है, तो इनके जो बहुत सारी चीजें थी वो एज इट इज ऐसे ही पड़ी हैं और काफी चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन इन्होंने कुछ चीजें बनाई हैं जैसे कि ब्लॉकचेन एक्सचेंज, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और ये है इनका आर्क एक्सचेंज, अगर यहाँ पे भी देखोगे तो बेसिकली एक टेम्पलेट है जिसके ऊपर इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है वो बना रखी है, और यही सेम टेम्पलेट जो है हर कोई यूज कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ठीक है, एक और वेबसाइट है, जितनी वेबसाइट आप देखोगे सबके सब जो यही टेम्पलेट यूज करके अपनी वेबसाइट बनाए हुए हैं, बस नाम बदल गया, चीज वही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सब जो कंपनियां हैं स्कैम कर रही हैं, और एक जो टेम्पलेट मिल जाता है इसी को लेके हर जगह पे प्रमोट कर रहे होते हैं। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको पैसा जमा कराना है यहाँ पे 2.5% यहाँ पे पर डे आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसे 12 महीने के लिए लॉक करते हो, और मिनिमम 50 टोकन आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। और इसी तरीके से जितना ज्यादा आप पैसा यहाँ पे लॉक करोगे उतना ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, बस ऐसा यहाँ पे इनकी जो PPTs में है ये देखने को मिलता है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं पुरानी हो गई हैं, बिकॉज ये जो जब ये टोकन था उस टाइम पे ये देखने को मिलता था। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि BEP20 ब्लॉकचेन है इसके ऊपर है, और यहाँ पे भी वही सेम रेफरल वाला सिस्टम है। तो इनका ये जो नेबू कॉइन वाला सिस्टम है फिलहाल तो डायरेक्टली बंद हो गया, क्योंकि इन्होंने जो सारा अपना प्रोजेक्ट है उसे शिफ्ट कर दिया अपने एक्सचेंज के ऊपर। तो ये जो एक्सचेंज है यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि बिहाइंड दिस एक्सचेंज एक तरीके का MLM हो रहा है, क्योंकि एक्सचेंज पे आपको यहाँ पे 25% जो डायरेक्ट रेफरल वगैरह मिलता है जो कि बहुत ज्यादा है 25%। ऊपर से यहाँ पे अगर आप $25,000 यानी कि बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे जमा कराओगे 4-5 लाख रुपए, तो यहाँ पे आपको 1% जो है मंथली यहाँ पे देंगे, साल का यहाँ पे 2-2.5% यहाँ पे बता रहे हैं। पता नहीं किस हिसाब से इनका जो लॉजिक है वो काम करता है, यहाँ पे 1% मंथली है यहाँ पे अगर 1 साल के लिए लॉक करोगे। बाकी ये लोग कहते हैं कि इनकी जो एक्सचेंज है इसकी जो लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड कर रही है गिवन हॉल बैंक, बट अगर आप इसका जो लोकेशन है केमन आईलैंड इसके बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा, तो इस जगह को कहते हैं टैक्स हेवन। अब इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो बहुत कम लगता है, वर्चुअली अगर बोलो तो बिल्कुल टैक्स लगता ही नहीं है। कम से कम यहाँ पे मतलब मिनिमम 2% चीजों पे टैक्स है, उससे ज्यादा यहाँ पे टैक्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी चीजें होती हैं उस पे 22 से लेके 42% टैक्स यहाँ पे ड्यूटी टैक्स लग जाता है, लेकिन जो पैसे के मामले में यहाँ पे इतना टैक्स नहीं लगता है। तो ये जो शेल कंपनीज होती हैं यहाँ ये क्या करती है, केमन आइलैंड पे अपना कुछ बिजनेस का सेटअप बना लेती हैं और उसके बाद वहां से चीजों को दूसरी कंट्री में मैनेज करती हैं। इससे क्या होता है कि इनको टैक्स कम पड़ता है और जो मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है तो वो भी यहाँ पे ये लोग कर पाते हैं। बाकी जो इनका विड्रॉल का सेटअप है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे 4 साल के लॉक करवाओगे तो यहाँ पे आपको 15% पहले साल में वापस मिलेगा, फिर 20%, फिर 25% और 40%। तो यहाँ पे जो आपका पैसा है 4 साल के लिए कम से कम यहाँ पे लॉक होगा। बाकी यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस भी हैं, अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये भी एक MLM वाला एक्सचेंज है, जहाँ पे मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करो, क्योंकि ये जो MLM होते हैं एक तरीके की पोंजी स्कीम होती है। यहाँ पे बेसिकली आपको दूसरे को फंसाना होता है अपना पैसा निकालने के लिए, यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम है। अगर आप $100 का किसी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करवाते हो, डायरेक्ट रेफरल करवाते हो, तो 12% आपको कमीशन मिलेगा, जब आप 500 करवा दोगे तो आपको 9% मिलेगा। यही सब चीजें यहाँ पे बढ़ती चली जाती हैं। बाकी यहाँ स्टेकिंग की जो मीडियम है वो भी देखो तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे मिनिमम $1,000 की यहाँ पे आप बिटकॉइन अगर जमा कराओगे तो यहाँ पे डेली 0.2% आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और उसी तरीके से यहाँ पे सब चीजें हैं। बाकी यहाँ पे देखो नीचे ये भी लिख रखा है कि जो स्टेकिंग का प्लान है किसी भी टाइम में चेंज किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के, तो इसका कोई भरोसे वाला नहीं है सिस्टम। बाकी अगर आप यहाँ पे $10,000 की ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो आपको यहाँ पे 30% कमीशन मिलेगा, यानी कि जितना आपको जो फीस है आपको लगती है वही जो फीस है आपको यहाँ पे
उसका जो 30% आपको वापस कर देंगे, तो यहाँ पे भी आपका जो पैसा है आपको ही वापस दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वैसे तो आप फ्री भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप यहाँ पे दूसरे को जब इन्वाइट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पोंजी स्कीम ही है, बस यहाँ पे जो तरीके हैं काफी ज्यादा बढ़ा दिए कि आप बिटकॉइन लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, आप यहाँ पे दूसरों को फंसाओगे तो पैसा कमाओगे। अगर यहाँ पे आप ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो $99 आपको ट्रेडिंग करने के लिए जो फीस है वो माफ हो जाएगा। एयर ड्रॉप पता नहीं किस चीज का यहाँ पे एयर ड्रॉप दे रहे हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे जो लिमिट वगैरह लगा रखी होगी वो भी यहाँ पे हटा देंगे। तो देखो, और ये जो वैलिडिटी है 1 साल के लिए वैलिडिटी होगी, यानी 1 साल के बाद आपको फिर से यहाँ पे $100 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इस चीज को जितना मर्जी घुमा फिरा लो, है तो ये एक तरीके का पोंजी स्कीम ही। बस इसमें ऐसा है कि MLM इन्होंने अलग अलग तरीके से जोड़ दिया, अलग अलग सब्सक्रिप्शन फीस लगा दी कि ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे $100 देते हो तो यही $100 आपको यहाँ पे ट्रेडिंग बोनस में वापिस कर देते हैं, और अगर आपको यहाँ पे किसी और को रेफर करना है तो आपको ये जो $99 का ये जो सब्सक्रिप्शन है ये परचेज करना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से ऐसा है कि अगर आप खुद फंसते हो तो दूसरे को फंसाना ही पड़ेगा। यहाँ पहले इन्होंने नेबू कॉइन के नाम पे सारा सिस्टम चलाया, अब इसके नाम पे चला रहे हैं। अब ये जो इनका एक्सचेंज है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि हर 6 सेकंड में यहाँ पे 6 जो नए नेबू कॉइन है वो बनते हैं। पर डे करीबन 3600 समथिंग कुछ कॉइन बनते हैं। और अगर आप इसकी चेन आईडी देखोगे तो ये जो चेन आईडी है एक ये कोई डॉस एक्सचेंज है जो कि जेन्युइन है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल निकाला, तो इसका RPC यूज कर रहे हैं चेन आईडी। तो ये चेन आईडी और ये चेन आईडी सेम नहीं हो सकती, लेकिन जो इनकी ये चेन आईडी है डॉस वाली ये रजिस्टर्ड है, इसके बारे में अगर आप और डिटेल निकालोगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन इसकी जो डिटेल है और आपको कहीं नहीं मिलने वाली, इसका RPC भी नहीं मिलने वाला कि कहाँ इसकी RPC है। और अगर आप इसके जो ब्लॉकचेन है इसको देखोगे तो यहाँ पे किसने किसको क्या भेजा या कैसी ट्रांजेक्शन है उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। यहाँ पे कौन सा एड्रेस आप सर्च करोगे इसके बारे में भी यहाँ पे कोई खास डिटेल नहीं है। तो यहाँ पे जो माइनर है बस एक ही एड्रेस है जो कि ये है, जो बहुत सारे जीरो के बाद लास्ट में 100 आता है, और यहाँ पे कुछ खास ऐसा डेटा नहीं है। तो ये प्रॉपर ऐसे ब्लॉकचेन तो नहीं है, इन्होंने कुछ तो बनाया है जो कि चल रहा है रेगुलरली और लग भी ब्लॉकचेन जैसा रहा है, बट ब्लॉकचेन है भी नहीं है। हो सकता है कि बैकग्राउंड में कुछ चल रहा हो बट यहाँ पे पूरी डिटेल वगैरह नहीं है। जैसे मान लो कोई वॉलेट एड्रेस है तो वो भी यहाँ पे दिखाना चाहिए कि कौन से वॉलेट एड्रेस से कहाँ ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इनके जो ब्लॉक नंबर्स हैं इसके अंदर कोई ज़्यादा एड्रेस वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो अपडेट है ये हर सेकंड हो ही रहे हैं। तो ऐसा एक फिनटॉच था उसमें भी देखने को आपको मिला था कि हर कुछ सेकंड के बाद में इस तरीके का जो डेटा है वो डंप कर रहे थे, और उनका जो ब्लॉकचेन है वो कहते थे कि हमारा ब्लॉकचेन है, लेकिन वो कंपनी भाग गई। तो जितने भी ये जो बना रहे हैं ट्रांजेक्शन वाले, ये सही है भी या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने बस कुछ चला दिया बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर, अपने आप ही यहाँ पे जो डेटा है वो दिखा रहा है और ज्यादा कुछ नहीं है। और बैकग्राउंड में जो अपनी एक्सचेंज है वहाँ पे अपना ये मल्टी लेवल मार्केटिंग चला रहे हैं अलग अलग तरीकों से, और वहाँ पे लोगों का जो पैसा है वो स्टेक करवा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास कोई कॉइन है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।